हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पोको M2 प्रो की एक धमाकेदार अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ देखने वाले हैं इसका PUBG परफॉर्मेंस एंड कैमरा भी। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को शुरू करने के पहले एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियाज नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड पोको M2 प्रो। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा MI अपने बॉक्स पर कुछ ऐसा लिखा करता था पहले, और बॉक्स के पीछे देखने को मिल जाएगा आपको मेड इन इंडिया 6GB 64GB का वेरिएंट हमारे पास है ग्रीन एंड ग्रीनर कलर के साथ। और दोस्तों, इस फोन में आपको फुल HD प्लस का फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है और 48MP का AI कोड कैमरा का सेटअप मिल जाता है। और साथ ही साथ इस फोन में आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन 720G का एक बिग प्रोसेसर मिलता है जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है, और इन बॉक्स आपको 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है इस बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस फोन को फटाक से कर लेते हैं अनबॉक्सिंग और इसके बाद इसके डिटेल्स एंड फीचर्स और परफॉर्मेंस को भी चेक कर लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा एक बैक कवर और इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, और इसकी कुछ खास जरूरत रहता नहीं है। और बैक कवर फोन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और इसका क्वालिटी बहुत अच्छा आता है फोन के साथ जो बैक कवर आता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद आपको मिल जाता है एक सिम स्लॉट का पिन जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इसको संभाल के रखिएगा। और इसके बाद देखने को मिल जाएगा जिसका बेसब्री से हमें इंतजार था और जिसके लिए हमने अनबॉक्सिंग किया है, हमारा प्यारा फोन। जी हाँ दोस्तों, ये फोन देखिए कितना ज़्यादा बेटर लुक है, इसका जो क्वालिटी है एंड लुक देखिए कितना ज़्यादा चमक रहा है। और इसके आगे और पीछे दोनों तरफ से ही गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, अगर ये गिर भी जाए तो टूटने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। अब दोस्तों, फोन को साइड में रख के देखते हैं कि बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलता है। जैसे कि हमने बॉक्स के पीछे की तरफ देखा था कि 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है इस बॉक्स के अंदर, और ये टाइप सी केबल है, और इसमें आपको चार्जिंग का कुछ डिटेल्स मिल जाएगा, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और आप ध्यान देकर देखें तो यहाँ पर MI का ब्रांड देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, फटाक से फोन को ओपन करके देख लेते हैं। पोको पावर्ड बाय एंड्रॉयड, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे की तरफ पावर्ड बाय एंड्रॉयड देखने को मिल जाएगा आपको, और ये फोन बेसिकली MIUI 11 के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों, इस फोन के नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है स्पीकर, माइक्रोफोन एंड टाइप सी केबल एंड 3.5mm जैक। ऑन द राइट साइड इस फोन में देखने को मिल जाता है एक साइड फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि पावर ऑन ऑफ बटन भी है, और उसके ठीक ऊपर ही वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको देखने को मिल जाता है सिम कार्ड ट्रे, और इस फोन के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है एक आयर ब्लास्टर और एक नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन। अब थोड़ा इस फोन के सेटिंग पर जाकर के इसका वर्जन वगैरह भी चेक कर लेंगे हम, और जैसे कि आप ऊपर ही देख सकते हैं अबाउट फोन है, अबाउट पर जाकर के इसका वर्जन वगैरह और सब कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। अबाउट फोन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर वर्जन चेक कर लेंगे हम, बेसिकली ये फ़ोन एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, ये एंड्रॉयड 10 के ऊपर ही बेस्ड है। अब दोस्तों, थोड़ा वीडियो क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इस फोन में आपको मिलता है डिस्प्ले 6.67 इंच का फुल HD प्लस HDR 10 के साथ, जिससे कि इस फोन में वीडियो देखते वक्त आप मजे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप चेक कर लेते हैं कि ये फोन PUBG परफॉर्मेंस कैसा देता है, और ये डिस्प्ले के साथ तो बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही स्मूथली चलता है ये फोन। वैसे दोस्तों, मैं PUBG तो कुछ खास खेलता नहीं हूँ, कभी कभी खेल लेता हूँ ऐसे, और परफॉर्मेंस चेक करने के लिए फोन में खेल लेता हूँ PUBG। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये फ़ोन में आप PUBG HD में खेल सकते हैं विथ हाई क्वालिटी के साथ। दोस्तों, मैं इसको कलरफुल में खेलना चाहूँगा, और इसको सेटअप करने के बाद थोड़ा सा खेल कर भी देख लेते हैं और परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं कि ये फ़ोन कितना अच्छा PUBG परफॉर्मेंस देता है। टीम मैच, लेट्स गो। वैसे दोस्तों, PUBG तो इस फ़ोन में बहुत ही स्मूथली चल रहा है, अब देखना ये है कि मैं PUBG खेल सकता हूँ या नहीं। Thank you.
वैसे दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत ही स्मूथली रन कर रहा है पबजी इस फोन पर। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इस गेम को खेल पा रहा हूँ और कहीं भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। ओ भाई ये क्या हुआ, मेरा गोली खत्म हो गया, मुझे मारो भाई, मुझे मरना है और बंदूक लेके आना है भाई, मारो मुझे। ओ भाई ये क्या हुआ, ये खुद ही मर गया, चलो कोई नहीं, इसका बंदूक मैं खुद ही ले लेता हूँ। और ये क्या हुआ, मैं तो जीत गया मैच यार। ऑलराइट दोस्तों, इस फोन का पबजी परफॉर्मेंस भी बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अच्छा है, पबजी के लिए भी ये बेस्ट फोन है, बेस्ट बजट फोन हो सकता है ये। तो दोस्तों आप ध्यान देते हैं इस फोन के कैमरे के ऊपर भी। दोस्तों पीछे की तरफ आपको इस फोन पर 48 मेगापिक्सल का वाइड प्राइमरी कैमरा मिल जाता है और दूसरा कैमरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है और यहाँ पर तीसरा कैमरा मिलता है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर एंड चौथा कैमरा मिलता है यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। दोस्तों अब मैं आपको कुछ फोटोग्राफी सैंपल्स भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फोटो पिक कर सकते हैं आप इस फ़ोन की मदद से, और इस फोन की मदद से आप पोर्ट्रेट फोटोज़ भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से पिक कर सकते हैं। और दोस्तों इस फोन में आपको एक सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का। ओवरऑल दोस्तों पोको M2 स्मार्टफोन प्राइस रेंज हिसाब से स्पेसिफिकेशन फीचर्स एंड परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा देता है, लाजवाब देता है। दोस्तों आप अगर 15,000 के बीच में कैमरा और गेमिंग के तरफ से एक अच्छा बजट फोन ढूंढ रहे हैं तो पोको M2 स्मार्टफोन बेस्ट बजट फोन हो सकता है आपके लिए। आगे आपकी मर्जी दोस्तों, आप समझदार है। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए ये फोन आपको कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आप अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए नई नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।